So moving onwards towards next part of the lecture, we will be discussing difference between cognizable and non-cognizable offenses. ठीक है, इसमें मैं आपको एक टेबल ऑफ डिफरेंस बताऊंगी कि किस तरह आप इसको जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, रेलेवेंट लॉ क्या है और डिफरेंट एग्जांपल्स जनरली कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, फ्यू एग्जांपल्स, ऑल्दो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स आ सकती हैं जो कि हमारे पास स्केड्यूल टू ऑफ सीआरपीसी में पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पॉइंट वन देखें, इसको स्टार्ट मैंने जैसे आंसर स्टार्ट किया कि सर्टेन प्री रिक्वेजिट्स हैं या फीचर्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से. सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें जिससे हमें आइडिया हो, तो वो क्या है, डेफिनेशन अंडर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है तो उसमें हमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है और इसका सेक्शन फोर जो है वो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है. सर्टेन एक्ट्स ये जो है लॉज में सेक्शन टू होता है डेफिनेशन का, लेकिन इसमें सीआरपीसी में सेक्शन फोर है. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं जब आप ऑनलाइन जो है कंटेंट ले रहे होते हैं इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है. तो वो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, आप पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो सेक्शन फोर सब सेक्शन वन उसमें भी आगे जो है क्लॉज एफ में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो डिफाइन किया गया है और उसमें वो लिखते हैं इट इज़ एन ऑफेंस, इट मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड स्केड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट. बेसिकली बात क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये ईज नहीं ये केस है आई गेस. तो बात वो ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है वो विदाउट वारंट जब अरेस्ट करती है किसी भी ऑफेंस के लिए, और वो ऑफेंसेस कहाँ पे मेंशन है सेकंड स्केड्यूल में, जो कि मैं आगे आपको शो भी करा दूंगी, सीआरपीसी के एंड पे एक टेबुलर फॉर्म में होता है या फिर अगर आप कचहरी जाते हैं तो जो रेगुलर बार काउंसिल की तरफ से डायरी जारी होती है उसके एंड पे भी ये पूरा टेबल बना होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, इसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है. हमारे पार्ट वन में जब हमने सीआरपीसी पढ़ा तो हमारे टीचर ने हमें नहीं सिखाया, सेकंड में उन्होंने हमें सिखाया था, तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ अभी मजीद शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए. ठीक है, डेफिनेशन का पॉइंट हो गया, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो गई. अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कैसे डिफाइन किया है और कहाँ पर डिफाइन किया है, वो है सेक्शन फोर सब सेक्शन वन क्लॉज एन ऑफ सीआरपीसी में, और वो क्या कहते हैं, Non cognizable offense means an offense for and non cognizable case means a case in which a police officer may not arrest without warrant. कि police officer law में लिख दिया गया कि police officer allowed नहीं है कि without warrant arrest करे. ठीक है, अब cognizable offenses की investigation से relevant other sections, अगर मतलब मजीद इससे रिलेटेड अदर रेलेवेंट सेक्शंस, सेक्शन 154 और 156 ऑफ सीआरपीसी है, इसके टाइटल से आपको पता चल जाएगा. बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड है. फिर इसी तरह रेलेवेंट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है तो आप रेलेवेंट प्रोविजन्स को रटा लगाने के बजाय आपको मेन प्रोविजन्स पता हो तो इससे भी आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर हो रहा होता है टू योर इंस्ट्रक्टर. तो सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी रेलेवेंट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से, के प्रोसीजर से रेलेवेंट है. फिर एक और सब हेडिंग कि अप्रूवल ऑफ कोर्ट और मजिस्ट्रेट फॉर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे जरूरी है और कहाँ पे नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, क्योंकि हमने बता दिया ऊपर कि अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, तो वहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बिगिन इन्वेस्टिगेशन. बंदे को गिरफ्तार करेंगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे क्योंकि हीनियस नेचर का क्राइम है, बंदा भाग ना जाए गायब ना हो जाए, तो उसमें आप डिले नहीं करेंगे. ठीक है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में कोई इस तरह का लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं है तो वहां पे आप पहले अप्रूवल लेंगे कोर्ट का, अप्रूवल ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बिगिन इन्वेस्टिगेशन, और फिर वारंट जारी होंगे और फिर पुलिस जो है उसको जो है वो अरेस्ट कर सकता है. एज टू पिटिशन, इसमें एज टू एप्लीकेशन या एज टू केस भी लिखा जा सकता था कि किस कौन कौन सी तरह का केस हो सकता है. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर केस और कंप्लेंट केस दोनों हो सकते हैं. ठीक है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में सिर्फ कंप्लेंट केसेस जो हैं वो होते हैं. अब एफआईआर केस को स्टेट केस भी कहा जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको अलहदा एक रिकॉर्डिंग में जो है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा. उसके प्रोसीजर का डिफरेंस होता है, FIR केस इनिशिएट होगा FIR लॉजिंग ऑफ FIR से, जबकि कंप्लेंट केस जो है अगर एक पार्टी कंप्लेंट फाइल करती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ द CRPC
डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो वो इस तरह जो है वो स्टार्ट होगा। फिर अप्रूवल ऑफ कोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, पिछली स्लाइड पर जाते हैं तो अप्रूवल ऑफ कोर्ट और मजिस्ट्रेट फॉर इन्वेस्टिगेशन था, यहाँ पे है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, कि सिर्फ FIR की हद तक देखें तो वहाँ पे कहाँ पे अप्रूवल जरूरी है या नहीं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR कैन बी रजिस्टर इन दिस केस विदाउट मजिस्ट्रेट्स परमिशन, ठीक है, रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये अलहदा अलहदा स्टेजेस है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इन दिस केस विदाउट मजिस्ट्रेट्स परमिशन, कि मजिस्ट्रेट परमिशन देगा, उसको लगता है कि यहाँ पे FIR जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए तो फिर होगी, अदरवाइज कलंदरा बना के आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एज टू अरेस्ट, अरेस्ट वाली बात हमने पहले डेफिनेशन में भी डिस्कस कर ली, लेकिन अगर आप पेपर में इसको सॉल्व करें तो आपके पास एक सब हेडिंग होगी मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर सच ऑफेंसेस, एंड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर सच ऑफेंसेस। एज टू नेचर, जो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी स्पेसिफिक करने के लिए कि आप ये एस्पेक्ट भी मिस नहीं कर सकते व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, वो क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर ऑफ हीनियस और सीरियस नेचर, ठीक है, जिनमें आप कोई भी इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज वो हैं तो ऑफेंसेज, उनकी पनिशमेंट्स भी हैं, डिफाइंड भी हैं PPC के अंडर, बट दे आर नॉट ऑफ हीनियस नेचर और दे आर सिंपली लेस हीनियस क्राइम्स, जिनमें अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो वो उसमें आपको लाइफ थ्रेटनिंग या कोई स्वेयर कोई जो है वो इश्यूज नहीं आएंगे। तो इस तरह के जो ऑफेंसेज होंगे नॉन कॉग्निजेबल होंगे। एग्जाम्पल्स आगे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेबल ऑफेंसेज क्योंकि हीनियस नेचर के हैं, स्वेयर नेचर के हैं, पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, FIR रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो उसमें एग्जाम्पल सर्टिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत फेमस हैं, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, मर्डर इन डिकॉइटी, रॉबरी, रेप, डेथ, थेफ्ट, किडनैपिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अननेचुरल ऑफेंसेस, रेप वगैरह, ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस फ़ौरन FIR काट के इन्वेस्टिगेशन जो शुरू कर सकती है और बंदे को हिरासत में ले सकती है, ठीक है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में असॉल्ट, चीटिंग, फोर्जरी, डिफेमेशन, मिसचीफ, इसमें कोर्ट की परमिशन के साथ जो है उसकी परमिशन से FIR काटी जा सकती है, अदरवाइज कलंदरा बनाया जाएगा, लेस हीनियस नेचर की क्राइम से। और ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, दो और भी, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, कि आप विदाउट परमिशन जो है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर है, आप सेकेंड जो है वो दूसरी शादी करते हैं, अब वो ऑफेंस तो है लेकिन ज़रूरी है आप उसको फ़ौरन बंदे को उठा के जो है वो जेल में डाल दे, उसमें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है वेदर उसने कोशिश की थी या नहीं की थी इजाज़त लेने की। अटरिंग एनी वर्ड और मेकिंग एनी जेस्चर इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन एटसेट्रा, ये भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है। यहाँ पे ये स्केजुअल है, ठीक है, बिल्कुल CRPC के एंड पे होता है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें आप देखें एक MCQ आ जाता है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन इसमें ऑफेंसेस हैं कि सेक्शन नंबर्स है बेसिकली, फिर ऑफेंसेस हैं उनको पूरा पूरा जैसे PPC में डिफाइन किया गया है, मतलब PPC को टेबुलर फॉर्म में एक तरह से बताया गया, स्केड्यूल 2 में टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस यहाँ पे मेंशन भी है। और फिर column 3 पे वेदर द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट, एक ऐसा ऑफेंस जो FIR में फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं ना, ते पे इसके तहत या कोई और ऑफेंस के तहत 365 या कुछ इस तरह का ऑफेंस नंबर लिखा होता है, तो आपने फ़ौरन देखना हो कि वेदर वहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो अरेस्ट कर सकती है या नहीं, लॉ क्या कहता है, तो वहाँ पे आप इस टेबल से मदद ले सकते हैं। वेदर द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट, वेदर अ वारंट और समन शैल ऑर्डिनरीली इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि ज़रूरी है या नहीं, वेदर बेलेबल और नॉट, ये बेलेबल है या नहीं, वेदर कंपाउंडेबल और नॉट, ये जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे कि बेलेबल कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल कौन से होते हैं, वेदर कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, तब आपको इसके एप्लीकेबिलिटी का पता चलेगा। तो वो मज़ीद हम नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका भी एक प्रिसाइज था जैसे इस डिफरेंस को हमने डिस्कस किया है वो शेयर कर दूँ। column 7 में पनिशमेंट्स हैं कि PPC के तहत इनको क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, डायरेक्ट अगर आपने पनिशमेंट देखनी हो, कोर्ट ने खुद असिस्टेंस लेनी हो तो उसके Schedule 2 से ले सकती है कि इस केस में क्या पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि हर चीज़ आप फिंगर टिप्स पर याद नहीं कर सकते, ठीक है। बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, कौन सी कोर्ट जो है
ट्राइब के थ्रू ये जो है ट्राइबल है। बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये 8 कॉलम्स हैं, इनमें मेन टाइटल क्या है। जनरली इसमें से MCQ भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद आपको मे भी क्लास के सेशंस पे CRPC पढ़ाते हुए टीचर्स ना बताएं, लेकिन पहली दफ़ा खोल के इंसान परेशान हो जाता है कि इसको पढ़े कैसे, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आप इससे एक हेल्प ले लें। इसके अलावा एक और पेज था जो फॉर एग्जांपल 302 बहुत फेमस है, तो वो मैंने एक और पिक्चर इसलिए ली ताकि आपको पता चल जाए, कत्ले अहमद मे अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। वारंट नॉन बेलेबल, ऊपर आपके जो टाइटल्स होंगे, ऊपर हेडिंग्स होंगी, उससे आप मैच कर सकते हैं। कंपाउंडेबल किस तरह है, कि सास और डेथ इम्प्रिजनमेंट है इसके लिए, फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 25 ईयर्स, और कहाँ पे ट्राई होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में। ये जो डिटो 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 लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये एज इट इज़ कॉपी होगा, डिटो कॉपी नहीं हम वर्ड यूज़ करते, तो वो ये है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड, डिटो मतलब इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बस हमारा यही था इस पार्ट में। नेक्स्ट में हम एक डिफरेंस डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केस, वो नेक्स्ट इसके बाद था।